प्यारे बच्चों, आज छठी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत, वेलकम। बिफोर यू रीड, प्यारे बच्चों, बिफोर यू रीड, तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ने से पहले हम करेंगे कि जो हनी शक्ल जो आपकी किताब है उसका पार्ट नंबर 2 उसका अनुवाद करेंगे। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर, कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा जो ये पाठ है इसको हम अध्ययन करेंगे, इससे पहले आज तक विद्यार्थियों का स्वागत है, वेलकम है। बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डे एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, आपको आप जान सकते हैं कि कुत्ता और भेड़िया वो कैसे एक दूसरे से के नज़दीकी हो सकते हैं। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर सेंचुरीज यू मे आल्सो नो समथिंग, तुम इनके बारे में कुछ भी जान सकते हैं। अबाउट हाउ ओवर सेंचुरीज, यानी कि वो कितने शताब्दियों से इकट्ठे हुए, कितनी शताब्दी बीत गई, ओवर मीन्स बीत जाना। ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड विल्ड एनिमल, डोमेस्टिकेटेड होता है घरेलू, यानी घर में पाला हुआ। ह्यूमन बींग यानी मानव जाति ने कितने जानवरों को घर पर पाला था। हेयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल, यहाँ पर एक कहानी है जो एक पालतू जानवर की है। हाउ द डॉग हिमसेल्फ फाइंड हिम ए न्यू मास्टर, कुत्ते को एक अपना नया मालिक कैसे मिला, स्वामी कैसे मिला। मास्टर मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, मालिक या स्वामी। तो आगे प्यारे बच्चों, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वॉल्फ डू, डॉग्स आर वंस देयर ओन मास्टर, कुत्ते एक बार कुत्ते अपने मालिक के पास थे। वे वॉल्फ डू, और वहाँ पर जो भेड़िए रहते थे उस उनके रास्ते में भेड़िए रहते थे। इन फ्रीडम, बड़ी आज़ादी के साथ, मुक्त रूप में, स्वतंत्र रूप में। अंटिल ए डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड, जब तक कि एक कुत्ता वहाँ पर पैदा नहीं हुआ और वह बुरी तरह से परेशान था। इल प्लीज्ड होता है नाराज होना। विद दिस वे ऑफ लाइफ, जिंदगी के इस प्रकार के से वो उनसे नाराज था, उदास था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड, वह बीमार था और थका हुआ था। ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ, जो अपने चारों ओर देखता था, खुद देखता था, वो इन चीज़ों को लेकर बड़ा थका हुआ था, बीमार सा महसूस करता था। लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, लुकिंग फॉर से तलाश करना, एंड बींग फ्राइटेंड और डरा होना, व्यभीत हो हुआ होना, ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और पहले की अपेक्षा वो ताकतवर हो। ही थॉट इट ओवर द डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑफ अर्थ। देखिए प्यारे बच्चों, ही थॉट इट ओवर, उसने इस बात को सोचना बंद कर दिया, ओवर मीन जो ख़त्म कर देना, एंड डिसाइडेड दैट, और ये निर्णय लिया कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू टू बिकम द सर्वेंट वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑफ द अर्थ। उसने इस बात के ऊपर ध्यान दिया, विचार किया कि वो इस ज़मीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे सबसे शक्तिशाली मालिक है, स्वामी है, उसकी खोज की जाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और वह इसकी तलाश में, ऐसे मालिक के, ऐसे स्वामी के तलाश में निकल पड़ा। ही वॉक एंड ही वॉक, वह चलता ही गया, चलता ही गया। एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज मैन, किन्समैन ऑफ हिज, और उसे इस प्रकार से एक जानवर से मुलाकात हुई। ए बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रोंग ही वाज फाइटर्स, वह उसे एक भेड़िया मिला जो कि बहुत ज़्यादा ही क्या था, ताकतवर था, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, हे कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। द वॉल्फ आस्क, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू
माय मास्टर वॉक, कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी की खोज में तलाश में जा रहा हूँ टू टेक अप सर्विस विद, जो उसको बढ़िया सेवा दे सके। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्व, हे भेड़िया क्या आप मेरा आप स्वामी बन जाओगे? आई डोंट सी वाई नॉट, अरे आई डोंट सी, मैं नहीं जानता, मैं पक्का बनूँगा, मुझे पता है मैं बन जाऊँगा। द वॉल्व सेड, भेड़िया ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात के लिए सहमत हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, उस दिन से वो दोनों इकट्ठा उन्होंने रहना शुरू कर दिया था, उस दिन से दोनों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया था। प्यारे बच्चों, जो आज का जो पाठ है हम यहीं तक करेंगे, और बाकी का पाठ है जो कल करेंगे। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।